आओ भाई किधर एजीएम बुलाएंगे तब भी नहीं आऊंगा। अपने प्रोडक्ट को पिच करना सीखिए, है ना, कस्टमर को जानकारी दें हम अच्छे हैं और हम कम अच्छा बताते हैं अपने आप। बाकी बैंक्स क्या है, कम अच्छे हैं और बेटर बताने की कोशिश करते हैं जगलरी से। हम जगलरी नहीं करते, नहीं करेंगे, बिल्कुल एथिकल करेंगे, हमें उन्हें मिसलीड नहीं करना कस्टमर को। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो तो उन्हें प्रोजेक्ट करें, तभी तो आएगा हमारे पास। हाँ, ये क्रेडिट स्कोर है तो क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं कि जो मिनिमम रेट है वो इतने हाई रखते हैं सिबिल पर कि हमारा 6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद आप हमसे होम लोन लेते हैं, हम आपका इंश्योरेंस करेंगे, इतने पैसे में आपका इंश्योरेंस हो जाता है, विच इज मच मच बेटर देन माई कंपटीशन। उस दिन से अगर कंबाइन करके उसे सेल करेंगे बेटर प्रोडक्ट है ना, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आप लोग ये रखना टाइप रखिए, यू नीड टू टेल योर कस्टमर्स कि अगर उनके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये चीजें उनके प्रोफाइल में है तो उनके बेटर चांसेस हैं, ये चीज प्रोफाइल में है तो उनको बेटर लिमिट मिलेगी, राइट। तो ये वाले कस्टमर्स को थोड़ा अपना प्रोफाइल माननीय वित्त मंत्री ने ये कहा है कि जो भी फ्रॉड होता है, जो भी एनपीए होगा 10 लाख से ऊपर का, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो इस ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ लोन बांट रहे हैं दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अकाउंटेबिलिटी हमेशा से थी, ये कोई नई चीज नहीं है। आज भी अगर 1 लाख का भी अकाउंट खराब होता है तो अकाउंटेबिलिटी एग्जामिन होती है। अकाउंटेबिलिटी एग्जामिन का अर्थ क्या है कि ये देखा जाएगा कि प्रक्रिया को फॉलो किया गया या नहीं, कहीं कोई ऐसी लापरवाही तो नहीं हुई जिससे लोन खराब हो जाए, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी को फेवर कर दिया गया हो जबकि वो उस लोन के लायक नहीं था। ये चीज़ें हमेशा से हर बैंक करता आया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उनके कहने के अर्थ को अनर्थ के रूप में लिया जा रहा है, अदरवाइज कुछ उन्होंने नया नहीं कहा है। बैंक की प्रक्रिया है, बैंक की प्रक्रिया चलती रहती है और 99.99% केसेस में प्रक्रिया फॉलो होती है। कहीं कहीं कोई चूक हो जाती है तो उनको ये देखा जाता है कि वो जो चूक है वो एक मानवीय भूल है या वो जानबूझकर है, तो इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा, उसी प्रकार से लोन वितरित किए जाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सोचना होगा कि बैंक का रोल क्या है। बैंक के रोल दो ही हैं, डिपॉजिट टेकिंग एंड लोन डिसबर्समेंट, उसमें कोताही नहीं की जा सकती। तो सावधानी बरतनी होती है, वो सावधानी आगे भी बरती गई है और हम फ्यूचर में ही बरतेंगे। आती है फिर वो क्वेरी करता है, मान लीजिए होम लोन लेना है तो पहले वो जाके पता कराए कि उनके प्रोफाइल के अनुसार उन्हें कितना ऋण मिल सकता है, किन शर्तों पर मिल सकता है, क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। जानकारी में वो उन्हें ये उपलब्ध कराए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स, अगर वो होम लोन की बात करते हैं तो कौन है अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। चलें वाली कंप्लेंट आप